सभी भक्त आत्माओं को सत्साहेब उमेश दास का। तो भक्तों, आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में हम सेवा हेतु आए हुए हैं, और आपको दिख रहा है वहाँ पर बाजरा के झाड़ है। और फाइनली हम लोग यहाँ से थोड़ा घूम रहा था, तो ये जो आपको दिख रहा है ये लेटरिन बाथरूम का निर्माण हो रहे है सदगुरुदेव जी के दया से। अभी सभी भक्त आत्माएँ अभी भंडारा कर रही है, कुछ ही देर में सभी भक्त आत्माएँ अपने अपने सेवा में गुरु जी के दया से पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों, हम चाय नाश्ता करके आए हैं, और गुरु जी के दया से हमारी भी मालिक के दया से सेवा लगा हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहे हैं वो दो भगत आत्माएँ सेवा कर रहे थे, सेवा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर संडास बाथरूम का से मतलब यहाँ बनेंगे दोस्तों सतलोक आश्रम धनाना धाम, जो गुरु जी का इस मतलब पवित्र भूमि पर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ था। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम होगा ये दोस्तों, देश विदेश का ये सबसे बड़ा केंद्र होगा। यानी यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा, यानी कि यहाँ से सब ब्राह्मण चलेंगे, जो जैसे कि अमेरिका, राजस्थान जैसे भी देश विदेश यहाँ से चलेंगे सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। और देख रहे हैं कि बहुत जहाँ 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 देखो तो वहाँ वहाँ आश्रम की निर्माण के लिए सेवा चालू है। आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना का जगह, जैसे सतलोक आश्रम का निर्माण हो रहे है, देख सकते हैं। बहुत कुछ ही दिनों में गुरु जी का आश्रम का निर्माण का पूरा हो जाएंगे काम गुरु जी की दया से। और देख सकते हैं फ्रेंड, तो फाइनली भगत आत्माओं, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट, और चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब सभी भक्त आत्माओं को, सभी भाइयों को नमस्कार।